आपको बताएं, यूपी से जो खबर आ रही है, बड़ी खबर है। यूपी में सत्ता का नशा समाजवादी पार्टी के नेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है और इसी नशे में चूर समाजवादी पार्टी के नेता गुंडागर्दी की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। ये आरोप एक बार फिर आपको बता दें कहां से लगे हैं, यूपी से सिद्ध हुए हैं कि शामली में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम आपको दिखाने जा रही तस्वीरें हैं, जहां एसपी नेता ने शादी के फंक्शन में अपने गुंडों से सिर्फ इसलिए गोलियां चलवा दी क्योंकि शादी में आए एक शख्स ने उन्हें चौधरी कहकर नहीं बुलाया। शादी का जलसा चल रहा था, शामियाने में बारात बैठी थी, तभी अचानक हंगामा मच गया। हर कोई जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगा। क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सब अपनी सलामती की दुआएं करने लगे कि तभी फायरिंग हो गई। ये देखिए, यहां पर हुई है फायरिंग। तमंचे का मुंह आसमान की ओर किया और दाग दी गोली। लेकिन ये बवाल की शुरुआत थी। दो शख्स दौड़ते हुए इधर से उधर जा रहे थे, जैसे वो किसी की जान लेने पर आमादा हो। लेकिन इन दोनों के हाथों में भी तमंचा है। इतने में फिर से दूसरी फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका सहम गया। गोली चलने की आवाज इतनी जोर की थी कि काफी दूर तक लोगों ने सुनी। ऐसा लग रहा था मानो यहां जंग छिड़ी हो। वो भीड़ जो कुछ देर पहले शादी के जश्न में शरीक हुई थी, वही भीड़ अब खौफजदा थी। पूरा शामियाना मिनटों में खाली हो गया। लेकिन तमंचे से फायरिंग करने वाले दोनों शख्स के सिर पर जैसे खून सवार था। देखिए शख्स को ठीक से। शर्ट और जीन्स पहने ये शख्स हाथ में तमंचा लिए हुए है और वो तमंचे की नोक पर लोगों को धमकाए जा रहा है। तस्वीरें शामली की हैं और खुलेआम हथियार लहराने वाले ये लोग समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नफीस राणा के समर्थक बताए जाते हैं। 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ मौजूद थी और ये दो नौजवान शादी के पंडाल में सरेआम फायरिंग कर रहे थे। ये गोलीबारी बेहद मामूली बात पर हुई। दरअसल नफीस राणा अपने भाई और समर्थकों के साथ इस शादी समारोह में शामिल होने आए थे, लेकिन आरोप है कि वहां उनका परिचय देते हुए एक नौजवान ने नफीस राणा के नाम के साथ चौधरी शब्द नहीं लगाया। बस इतनी सी बात पर नफीस राणा भड़क उठे। इल्जाम है कि इसके बाद नफीस और उनके समर्थकों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। आरोप तो ये भी है कि नफीस राणा के समर्थकों के पास गैर लाइसेंसी हथियार थे और उसी से कई राउंड फायरिंग की गई। इस गोलीबारी में बारात में शामिल एक नौजवान घायल भी हो गया। फायरिंग में कम से कम 10-15 लोग थे। तमंचे, कट्टे पट्टे सब साथ में ले रहे थे। हमारे भाई को गोली लगी, नफीस राणा को पुलिस ठाक लगी, हमारे भाई को अस्पताल में भेज जा, नफीस राणा को वहाँ छोड़ दिया। अच्छा, नफीस राणा तो नेता है सपा? हाँ, सपाचवादी का नेता है। गन्नर साथ में गुंडागर्दी दिखा दी। शामली की सियासत में नफीस राणा का काफी रौब चलता है। शायद यही वजह है कि स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस नफीस राणा और उनके समर्थकों के खिलाफ एक्शन लेने से बच रही है।